हे विद्यार्थियों नमस्कार। हम रस संप्रदाय पर चर्चा कर रहे थे और रस संप्रदाय के अंतर्गत हमने रस के अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, रस के अवयवों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम रस की निष्पत्ति पर विचार विमर्श करेंगे। हमने पिछले वीडियो में ये जाना है कि रस विवेचन का जो आधारभूत सूत्र है वह आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इस प्रकार से व्यक्त किया है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारे संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारे के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि जिस प्रकार व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जैसे गुड़ आदि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों के सहयोग से षड रसों की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार विभाव अनुभाव व्यभिचार्य के सहयोग से स्थायी भाव ही रस रूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार भरत मुनि ने यह माना कि विभाव अनुभव व्यभिचार्य के सहयोग से स्थायी भाव ही रस रूप को प्राप्त होता है और उनके इस सूत्र में संयोग का अर्थ जो है वो संसर्ग या संयोजन है। विभाव अनुभव व्यभिचार्य भावों का स्थायी भाव से संसर्ग या संयोजन, यही संयोग है। और निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने माना कि नव रूप प्राप्ति, स्थायी भाव ही रस को प्राप्त होता है। तो आचार्य भरत मुनि के इस रस सूत्र में संयोग एवं निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है, जिसको भरत ने संसर्ग माना था संयोग का अर्थ और निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने नव रूप प्राप्ति माना था। इन दोनों शब्दों का अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग अर्थ माना है। तो संयोग एवं निष्पत्ति का अर्थ क्या है और किसका स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता है, अर्थात रस का आश्रय कौन है? अनुकार्य है, अनुकार्य से आश्रय मूल पात्रों से, ऐतिहासिक पात्रों से है। जैसे राम कथा के संदर्भ में राम सीता ऐतिहासिक पात्र है और अनुकृता जो रंगमंच पर मूल ऐतिहासिक पात्रों के का अनुकरण कर रहे हैं नट नटी और प्रेक्षक का सामाजिक जो उसका दर्शक है, तो किसका स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता है? अनुकार्य का, अनुकृता का और प्रेक्षक या दर्शक का। सर्दे इस रस का उपभोग कैसे करता है, इन सभी प्रश्नों पर विचार करते हुए चार जो आचार्य हैं उन्होंने रस निष्पत्ति विषयक अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और जिनमें पहले आचार्य भट्ट लोलट, और भट्ट लोलट का रस निष्पत्ति विषय जो सिद्धांत है वो उत्पत्तिवाद के नाम से जाना जाता है। भट्ट लोलट का ये जो सिद्धांत है ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। भट्ट लोलट का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, केवल अभिनव भारती और काव्य प्रकाश में इनके कुछ उद्धरण मिलते हैं और उनके उद्धरणों के आधार पर ही इनके इस उत्पत्तिवाद सिद्धांत की जो है वो व्याख्या की गई है। भट्ट लोलट ने के अनुसार क्या है कि रति आदि स्थायी भाव विभावों से उत्पन्न होकर और अनुभवों द्वारा प्रतीति योग्य होकर तथा व्यभिचारियों द्वारा पुष्ट होकर मूल रूप में रामादि अनुकार्यों में रस रूप में तथा रूप साम्य के कारण गौण रूप में नटादि में आरोपित होकर ही चमत्कृति का कारण बनते हैं। इसके अनुसार यह है कि स्थायी भाव विभावों से उत्पन्न होते हैं और अनुभावों के द्वारा प्रतीति योग्य, बोध योग्य बनते हैं और संचारी भाव भावों के द्वारा वो पुष्ट होते हैं। बस जो है मूल रूप में राम आदि जो ऐतिहासिक पात्र अनुकार्य हैं उनमें रहता है, परंतु रूप साम्यता के कारण दर्शक जो है वो नट में भी
अनुकार्य का आरोप कर लेता है और चमत्कृत होता है। और इस आधार पर पटलोलट ने संयोग शब्द का जो अर्थ है वो संबंध माना है और इस संबंध को तीन प्रकार से परिभाषित किया है। विभावों के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, अतः स्थायी भाव और विभाव का जो संबंध है वह उत्पाद्य उत्पादक है, और अनुभवों से स्थायी भाव जो है वो प्रतीति के योग्य होते हैं, बोध योग्य होते हैं। इस कारण स्थायी भाव और अनुभवों का जो संबंध है वो गम्य गमक या बोध्य बोधक है, और संचारी भावों के द्वारा स्थायी भाव पुष्ट होता है। इस कारण स्थायी भाव और व्यभिचारी का जो संबंध है वो पोष्य पुष्टक का है। निष्पत्ति शब्द का अर्थ पटलोलट ने उत्पत्ति माना है, और इसके भी तीन अर्थ माने हैं कि विभाव और स्थायी भाव के उत्पाद्य उत्पादक संबंध से निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है, और अनुभाव और स्थायी भाव के गम्य गमक संबंध से उत्पत्ति का अर्थ प्रतीति है, और व्यभिचारी और स्थायी भाव के पोषे पोषक संबंध से निष्पत्ति का अर्थ पुष्टि है। रस की स्थिति पटलोलट के अनुसार मूल रूप से ऐतिहासिक पात्रो अनुकार्य जो है उसमें है, परंतु दर्शक जो है रामादि की रूपता के कारण, वेशभूषा के कारण तद्रूपता अनुसंधान से अनुकृता जो नट है उसमें भी आरोपित कर लेता है, और इस आरोपण के कारण ही जो भट्टलोलट है इस सिद्धांत को आरोपवादी कहा जाता है। भरत भट्टलोलट के इस रस निष्पत्ति शेख सिद्धांत की अगर समीक्षा की जाए तो इसके जो अच्छायां या शक्तियां हैं वह यह हो सकती है कि भरत मुनि के रस सूत्र पर प्रथम बार मौलिक चिंतन करने वाले प्रथम व्याख्याकार वह भट्टलोलट ही है, और भरत मुनि के रस सूत्र पर मौलिक चिंतन करके भट्टलोलट ने भावी जो व्याख्याकार है आगे आने वाले जो आचार्य हैं उनके लिए एक आधार भूमि का निर्माण किया है। तीसरी बात यह है कि भट्टलोलट ने रस की स्थिति ऐतिहासिक पात्रों में मानी है, और ऐतिहासिक पात्रों में मानकर सौंदर्य या रस को इन्होंने विषयगत माना है, विषयगत नहीं माना है, और इस तरह से काव्य की महत्ता का इन्होंने प्रतिपादन किया है। लेकिन इसकी कुछ खामियां यह है, और सबसे बड़ी खामी यह है कि रस निष्पत्ति में सामाजिक के रसास्वादन को उपेक्षित कर दिया है। भट्टलोलट ने रस की स्थिति राम आदि ऐतिहासिक पात्रों में मानी है, तो फिर सामाजिक को रस की अनुभूति कैसे होती है, इस पर कोई ध्यान जो है भट्टलोलट ने नहीं दिया, और उन्होंने रस के केवल वस्तुगत स्थिति पर विचार किया है, उसके आत्मगत या विषयगत रूप पर विचार नहीं किया है। इस कारण प्रवर्ती आचार्यों ने जो है भट्टलोलट के मत को अस्वीकार कर दिया। भट्टलोलट के बाद दूसरा जो रस निष्पत्ति विषयक सिद्धांत है वो आचार्य शंकु का अनुमितिवाद है, जिसको आरोपवाद भी कहा जाता है, और ये दर्शन जो है ये जो सिद्धांत है ये न्याय दर्शन पर आधारित है। शंकु का भी कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, कोई अभिनव भारती और मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर इसकी व्याख्या की गई है। शंकु के अनुसार कारण रूप विभावों से, कार्य रूप अनुभवों से व सहकार्य रूप व्यभिचारियों से, यद्यपि ये विभाव आदि कृत्रिम है तो भी नट के शिक्षा अभ्यास आदि प्रयत्न से अर्जित प्रकाशित एवं प्रदर्शित होने के कारण कृत्रिम प्रतीत नहीं होते। अनुकृता में स्थित स्थायी भाव विभाव आदि रूप लिंग बल से अनुमान द्वारा रस रूप से प्रतीत होता है, जो मुख्य अनुकार्य राम आदि में रहने वाले स्थायी का ही अनुकरण रूप है,
और अनुकरण रूप होने के कारण इसे रस इस नामांतर से व्यवहार किया गया। अर्थात संकोक ने माना कि स्थायी भाव की स्थिति जो है वह मूल पात्र अनुकार्य में है और इस स्थायी भाव के कारण विभाव है, अनुभाव कार्य है और सहकारी संचारी भाव। लेकिन मुख्य रूप से अनुकार्य राम आदि पात्रों में रहने वाला ये स्थायी भाव है, उसका अनुकृता जो है अनुकरण करता है और ये अनुकरण जो है कृत्रिम है, परंतु अनुकर्ता नट के अभिनय कौशल से ये कृत्रिम प्रतीत नहीं होता है और इस कारण अनुकरण करता जो अनुकर्ता है नट है उसका स्थायी भावी रस रूप को प्राप्त होता है। मतलब अनुकरण अनुक्रियमाण जो स्थायी भाव है वही रस है संकुक के अनुसार। और इस बात को स्पष्ट करते हुए ममट ने कहा था कि संकुक ने जो है सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान से भिन्न चित्र तुरग न्याय से अपने सिद्धांत को जो है परिभाषित किया है, व्याख्यायित किया है। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है राम को राम समझना, मिथ्या ज्ञान है राम को राम नहीं समझना, ये राम नहीं है। संशय ज्ञान का अर्थ है ये राम है या नहीं है, और सादृश्य ज्ञान का अर्थ है कि ये राम जैसा है। इससे भिन्न जिस प्रकार बालक घोड़े के चित्र को देख करके उसे घोड़ा समझ लेता है, उसी प्रकार जो दर्शक है सामाजिक है वह नट के अभिनय कौशल को देखकर नट यानी अनुकृता में ही अनुकार्य का अनुमान कर लेता है और इस कारण इनके सिद्धांत को अनुमितिवाद कहा जाता है। संकुक ने भी संयोग अर्थ संबंध माना है और स्थायी भाव और विभाव का जो संबंध है वो अनुमापे अनुमापक माना है। मतलब स्थायी भाव अनुमापे है, अनुमान किया जाता है और इसका अनुमान कराने वाले विभाव आदि है, और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अनुमिति अर्थात अनुमान माना है। संकुक के अनुसार रस की स्थिति मुख्यतः अनुकार्य में होती है, परंतु नट के अपने कौशल से जो दर्शक है वह अनुकृता में उसको अनुमित कर लेता है, अनुमान कर लेता है। इस संकुक के सिद्धांत की समीक्षा अगर की जाए तो अपन जानते हैं कि सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने ये बताया कि रसास्वादन की प्रक्रिया में नट नटे के अभिनय कौशल का भी महत्व होता है और अर्थात नट नटे नट नटी की अभिनय कुशलता से ही अनुकार्य का जो स्थायी भाव है वो कृत्रिम नहीं रहता है, जो अनुकरण होता है अनुकार्य के स्थायी भाव का अनुकरण अनुकर्ता नट नटी करता है, फिर भी उनकी अभिनय कुशलता से वो अनुकरण नहीं लगता है, कृत्रिम नहीं लगता है और इस कारण नट नटी के अभिनय कौशल का भी रसास्वादन में महत्व बढ़ जाता है। दूसरे इन्होंने रस की स्थिति को पूर्णतः वस्तुप्रक स्थिति से हटाकर, क्योंकि भट्ट लोलट ने उसको ऐतिहासिक पात्रों में माना था, मूल पात्रों में आरोपित माना था, इन्होंने अनुकरण मूल पात्रों से ऐतिहासिक पात्रों से जो है अनुकर्ता में अनुकरण के बल पर स्थायी भाव का अनुमान बताया। तो रस की स्थिति को मूलतः पूर्णतः वस्तुप्रक स्थिति से व्यक्तिप्रक स्थिति की वो एक कदम आगे बढ़ाए, लेकिन इसकी खामियां यह है कि अनुमान बुद्धि का विषय है जबकि रस हृदय का है, अनुभूति का है। और जिस प्रकार धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान तो किया जा सकता है लेकिन अग्नि की गर्मी महसूस नहीं की जा सकती। दूसरा, प्रत्यक्ष ज्ञान ही चमत्कार जनक होता है, अनुक्रियात्मक नहीं होता है। और इन्होंने स्थायी भाव का अनुकरण बताया और अनुक्रियमाण स्थायी भाव को ही रस कहा है। सहृदय की इन्होंने भी उपेक्षा की है, भट्ट लोलट की तरह इन्होंने भी रस की स्थिति मूल पात्रों में बताई है। अंतर इतना है कि भट्ट लोलट ने यह बताया था कि दर्शक
अनुकर्ता या नट में मूल पात्रों का आरोप कर लेता है और इन्होंने ये बताया कि दर्शक जो है अनुकर्ता में मूल पात्र का अनुमान कर लेता है। सामाजिक को बिना अनुमान के भी आस्वाद होता है तो अनुमान की आवश्यकता क्यों। इस तरह से शंकु के प्रश्न निष्पत्ति विषयक सिद्धांत पर भी आगे चलकर प्रश्न खड़े हो गए और इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। अब दो जो आचार्य हैं भट्टनायक और अभिनवगुप्त, उनके मतों का आगे अध्ययन करें।